और बैठक में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी, जो बाइडेन और स्कॉट मॉरिसन समेत कई अन्य नेता होंगे शामिल। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच वतन वापस लौट रहे भारतीय नागरिक विशेष फ्लाइट से भारत लाए जाएंगे। यूक्रेन को लेकर राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी का पलटवार, कहा 1971 के युद्ध में छुट्टी पर चले गए थे राजीव गांधी। गलत निकला रूस का दावा, विदेश मंत्रालय ने कहा यूक्रेन में भारतीय छात्रों को नहीं बनाया गया बंधक। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इंडियन एयरफोर्स दिखाएगी वायु शक्ति, पोखरण में 7 मार्च को होगा युद्धाभ्यास। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। गाजीपुर में अंतिम चरण में होने वाले 7 मार्च के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरटीआई मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के साथ जनपद के सभी वीरों को भी नमन करते हुए बताया कि वीर अब्दुल हमीद की पत्नी रसूलवन फीबी ने उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था। नरेंद्र मोदी ने मन से मनोज सिन्हा का नाम लेते हुए कहा कि मनोज सिन्हा भारत के मस्तक जम्मू कश्मीर को संभाले रहे हैं। शुरुआत है जबरदस्त, मेरा काम करोगे, फिर से बताइए जोर से करोगे। देखिए अभी से लेकर हर घर जाइए, जाकर के उन परिवार के लोगों को बताइए कि मोदी जी गाजीपुर आए थे और उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है। ये काम करोगे, घर घर मेरा प्रणाम पहुंचाओगे, पक्का पहुंचाओगे। देखिए जब आप हर परिवार में और जब हर परिवार आशीर्वाद देगा तो आपको मालूम है मेरी ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी। बिजनौर में हुए विधानसभा निर्वाचन 2022 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 10 मार्च को होने वाली मतगणना और आगामी त्यौहार होली को लेकर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने निर्देश पर जनपद में सभी क्षेत्रों में थाना अध्यक्ष की ओर से पर्याप्त पुलिस बल को लेकर थाना क्षेत्रों में मार्च किया गया। इस दौरान एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह बघेल सिंह और एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह मौजूद रहे। पूरे जनपद में रूट मार्च प्रारंभ किया गया है। चुनाव के बाद से आगामी त्यौहार को देखते हुए होली का त्यौहार, मतगणना और जो सामाजिक सरगर्मियां हैं इसको देखते हुए पूरे जनपद के हर कस्बे में रूट मार्च किया गया है। आज मेरे द्वारा एसपी सिटी क्षेत्राधिकारी यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रिंसिपल के साथ में कस्बा बिजनौर में रूट मार्च किया गया, जिससे खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर 306 डुमरियागंज विधानसभा के प्राथमिक विद्यालय मधुकरपुर में 478 मतदाताओं ने वोट डाले। लोगों ने महिला सुरक्षा, राष्ट्रहित सहित विकास के मुद्दों पर वोट किया। मतदान कर रहे वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिला है, तो वहीं महिला वोटरों के साथ बुजुर्गों ने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। गोरखपुर में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सुबह से वोटिंग चल रही है। सभी बूथों पर मतदाताओं की संख्या देखने को मिल रही है। मतदाता लंबी कतार में अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में पादरी बाजार स्थित तमाम बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों के साथ यूपी पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। वहीं बूथ पर वोट डालने पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि मैं समाज का वकील हूँ और वकील उनकी वकालत कर रहा है। निश्चित रूप से सबका बटन दबाया था, कांग्रेस का दबाया, उसने उनकी फाइल गायब करा दिया, इनके अंथा समन सारा लूटपाट मचा दिया, कांग्रेस को देश ने भगा दिया, हमारा समाज कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया, कांग्रेस मर गई। साइकिल वालों ने धोखा दिया, साइकिल ने गोली चलाई, हम मांग कर रहे थे रेल ट्रैक पर,
और देखो गुर्जर आंदोलन था, एक डंडा नहीं बजा, एक ही घंटे में गोली मार दिया, 302 फर्जी मुकदमा लगाया, देश का अपराधी घोषित कर दिया हमारे जैसे। तो मेरा समाज देख रहा ना कि ये साइकिल मतलब प्यारी नहीं हत्यारी है, इसलिए उसे छूना बंद कर दिया, साइकिल टूट के पंचर हो गई, हाथ ही छूना बंद कर दिया, तमाम नेताओं को मरवाया, तालघाट नदी छीन लिया, तो उनसे एलर्जी हो गई, छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी उन्हें दे रही है सब पैसा बिना भेदभाव के, इनके मकान बन रहे हैं, इनके अनाज आ रहे हैं, इनके खाते में पैसे आ रहे हैं, ये मजदूर हैं, गरीब हैं, तो इनके मजदूरों का जो भी इलाज हो रहा है सब मिला, तो इसलिए मेरा समुदाय पूरा का पूरा। और खबर कानपुर से है, जहां जेल दिवस और वसंत पंचमी के अवसर पर जिला कारागार में इंडोर और आउटडोर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं इस प्रतियोगिता के दौरान महिलाओं ने नींबू दौड़, कुर्सी दौड़, निबंध समेत कई कंपटीशन में भाग लिया, जबकि इस प्रतियोगिता के दौरान जेल अधीक्षक समेत तमाम अधिकारियों ने जीते हुए कैदियों की प्रशंसा करते हुए उनको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। मैनपुरी में एक किसान कोल्ड स्टोरेज में आलू डालने गया था, कुरावली जाते वक्त एक कार ने उसे सड़क पार करते समय टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई। वेनगार की रफ्तार बहुत तेज थी, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। टक्कर मार दी जी, और 50 मिनट डिस्टी ले गई जी, उसमें मत हो गई। मतलब ये कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? कारीपुर गांव से आए थे जी, कोल्ड में, और दो चार लोग थे जी ट्रैक्टर पर जी, तो आलू डाल के फिर बाहर निकले, बोले हम जा रहे वहाँ कुराली लगा देखने के लिए, लेकिन लगा देखने जैसे बाहर निकले तैसे उधर से आई बैगनार, उसने टक्कर मारी और 50-100 मीटर घटरी ले गई। कहाँ की घटना है ये? नैकाबो कोल्ड स्टोरेज। क्या नाम है आपका? रत्नेश कुमार। ये एक्सीडेंट जो हुआ है किस तरीके से क्या हुआ? अरे नबीगंज की तरफ से बैगनार गाड़ी आ रही थी जी, और जे लड़की के लिए लड़का देखने जा रहे थे जी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जे नबीगंज की तरफ जा रहे थे। आए कहाँ से? जी अपने घर से आए थे। किस गांव से आए? अहंकारीपुर। अहंकारीपुर से लड़का देखने कहाँ जा रहे थे? अब जे तो नहीं पता है। अच्छा, हाँ कुरावली जा रहे थे। एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ? ये नबीगंज। खबर बदायूं से है, ककराला क्षेत्र की ग्राम गौरामई से है, जहां भी 24 घंटे महिला की हत्या हो गई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई तमंचा और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। दिनांक 1/3/2022 को थाना क्षेत्र अलापुर जनपद बदायूं में दो सगे भाइयों द्वारा अपनी सगी बहन की हत्या की गई थी, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 79/2022 थाना अलापुर में पंजीकृत किया गया था, जिसका आज SOG टीम व थाना अलापुर द्वारा सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है, जिसमें अभियुक्तगण उसके सगे भाई मुअज्जम और मुजीब की गिरफ्तारी की गई है, तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, आला कत्ल 2 तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर व 1 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद। श्रावस्ती में ईंट की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ है, 8 साल के मासूम की मौत हो गई है। दरअसल बच्चा दीवार के पास खेल रहा था, बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। ये घटना सोनवा थाना क्षेत्र के तरवा ताल गाँव की है। लड़का हम गाय लगा हैं, वही सीधे चला गया नलवर, नलवर गवा प्रसाद कर रहा, जो हॉस्पिटल के चंद दवा गिर गए, वही नीचे दब गया, दबे के बाद निकाला उसका लड़का, लेके लक्ष्मण नगर गए, तो डॉक्टर बताया जैसे ले जाओ। औरैया के बिथुना कोतवाली क्षेत्र में भाई बहन की बाइक बिथुना रामगढ़ मार्ग पर एक तेज अनियंत्रित कार की चपेट में आ गई, जहां दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कार अनियंत्रित होकर पलट गई। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, दोनों को गंभीर स्थिति में मिनी PGI सफाई रेफर कर दिया गया है। सभी पुलिस स्टाफ की जिले भर में तारीफ हो रही है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शशिभूषण मिश्रा ने कहा है कि तहरीर मिलने पर जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
क्या घटना हो गई? एक लड़का और एक लड़की घायल हैं। भाई बहन हैं। तो ये कहाँ आए थे? आपको काहे से थे ये लोग? घायल का क्या नाम है भाई का? सचिन राजपूत। और ये जो लड़की है मोनिका, तो कैसे एक्सीडेंट हुआ, कहाँ हुआ ये? बिजनौर में हुए विधानसभा निर्वाचन 2022 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 10 मार्च को होने वाली मतगणना और आगामी त्यौहार होली को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह के निर्देश पर जनपद के सभी क्षेत्रों में थाना अध्यक्ष की ओर से पर्याप्त पुलिस बल को लेकर थाना क्षेत्रों में मार्च किया गया। इस दौरान एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह और एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह भी मौजूद रहे। पूरे जनपद में रूट मार्च प्रारंभ किया गया है चुनाव के बाद से। आगामी त्यौहार को देखते हुए होली का त्यौहार, मतगणना और जो सामाजिक सरगर्मियाँ हैं इसको देखते हुए पूरे जनपद के हर कस्बे में रूट मार्च किया गया है। आज मेरे द्वारा एसपी सिटी क्षेत्राधिकारी यहाँ के स्थानीय पुलिस के एसी बल के साथ में कस्बा बिजनौर में रूट मार्च किया गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।